हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खान सर कोचिंग में आते ही विरोधियों पर जमकर बरसे, सारे मुंह बंद। देखते हैं क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सर फरार भी हो गए थे क्या? क्या लिख रहा है? खान सर फरार हो गए। कौन बोला? मतलब किसी का टीआरपी के लिए मीडिया कहाँ जा सकती है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेकिन एक चीज हुआ ना, सच में फरार थे सर, कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। जितना टॉर्चर करेगा लोग, जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है वहाँ पे। अच्छा। पूरी इंडिया में ना, जितने रिलेटिव है, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं क्या हो गया हम, क्या अब होने वाला है। अच्छा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा। और आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद खुली भी है, वही जगह है क्या? और हम किसका क्या रख लिए? आपके अनुसार क्या हो सकती है? मीडिया के साथ हमेशा से सर पंगा रहता है। कभी आप बोल देते हैं कि मीडिया खुद को देख लो 159वें रैंक पर चली गई है। आपके यहाँ इंटरव्यू भी लेने आते हैं लोग, आप बोलते हैं कि इंटरव्यू लीजिए, इंट्रोगेट मत कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कह रहे थे कि खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और जिस क्लासरूम से है ये खान सर का क्लासरूम है, वही का है। नीचे सिर्फ लड़कियां बैठी है और अभी टेस्ट चल रहा है। काफी लोग कह रहे थे कि खान सर का क्लासरूम सील कर दिया गया है, क्या कुछ हो सकता है? तो एक बेंच पर मात्र 3 लड़कियां बैठी है। देखिए, हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेंच पर मात्र 3 लड़कियां, चाहे आगे हो या पीछे हो, 3 लड़कियां एक बेंच पर बैठाया गया है और अभी टेस्ट चल रहा है। गर्ल्स ओनली खान सर का कोचिंग है। और काफी लोग कह रहे थे कि जैसे सील कर दिया है, खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है, दोबारा से जल्दी खुलेगा नहीं खुलेगा, एक महीना के लिए बंद रहेगा, तो क्या कुछ होगा? खुद सर भी आ रहे हैं, सर से भी बात करें। देखिए, खान सर हमारे साथ आ गए। सर स्वागत है सर, सबसे पहले धन्यवाद। सर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है, दोबारा से खुलेगा नहीं खुलेगा। सील हो गया है, टीआरपी के लिए कोई कुछ कर देगा यहाँ पे। तो थर्मोकोल नहीं दिख रहे जो उसमें मल्टीपल लोकेशन हो गए ना, इस लोकेशन में दूसरा कोई लोकेशन नहीं चल पाए, जानबूझ करके नहीं चल रहा है, कोई सीन नहीं। हमारा अपना ताला है, दोपहर में लंच के टाइम पे एम्प्लॉय अगर जा रहा है नाश्ता खाने करने तो बंद होगा कि नहीं होगा? अभी यही सील हो गया। वो कह रहे सील ही नहीं, कुछ बंद ही नहीं था, ताला ही नहीं लगा था। कितने छात्र बैठाए गए हैं अभी? देखिए जितना बैठा है, देख अभी अभी तो सर एक बेंच पे 3 छात्र बैठाए गए हैं। देखिए बात यह है, गांधी मैदान की कैपेसिटी 5 लाख की है, बट निकलने की व्यवस्था है ना यहाँ पे। हमारे यहाँ हर एक चीज फायर सेफ्टी से लेकर हर एक नॉर्म्स पूरा है यहाँ पर। अब इस दिक्कत यह है कि किसी को अगर विरोध करना है, जैसे कोई चाह रहा है खान सर की कोचिंग ना चले, क्योंकि जो भी कम फी में पढ़ सकते थे उन लोग की पढ़ाई रोकी जा सकती। देखिए, खान सर की कोचिंग निशाना नहीं है, निशाना है गरीबों की शिक्षा। अच्छा। पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे, अभी इन लोगों से कोई सवाल पूछे ना, अभी देखिएगा व्यवस्था ठीक कर देगा। ये लोग तो आपको भगवान की तरह मानते हैं सर, और जितने भी उसका भी तो किया था, वो क्या नाम था दूसरे का? सबसे ज्यादा पूरे क्वेश्चन पूछेंगे कि पूरे सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, जो मामला है वो दिल्ली का है, लेकिन सबसे ज्यादा मामला अभी पटना में देखा जा रहा है और वो आपको देखा जा रहा है। से डिरेल्ड हो गए लोग यहाँ पर, वहाँ पे जो भी घटना हुई बहुत दुखद घटना है, 2-3 बच्चे अगर शहीद कहिए उन लोगों को बेचारे, जिनकी मतलब क्या गलती थी उनकी यहाँ पर, सिस्टम की फेलियर की वजह से उनकी जान चली गई। कोई कुछ भी कर लेगा, उन परिवार को कोई भरपाई नहीं कर सकता है कुछ भी, चाहे पैसे से या किसी चीज से, संवेदना से। लेकिन वो किसकी फेलियर थी? आखिर इतना पानी आ गया, लाखों लीटर पानी, टेस्ट ले रहे हैं बच्चे यहाँ पर, टेस्ट क्या लेंगे? वो क्लास वगैरह नहीं रखे थे इस दौरान, ताकि उन बच्चों को हम लोग क्या, कुछ कम से कम हम लोग उनके बच्चों को क्या दे सकते, किसी का जीवन तो नहीं लौटा सकते। तो एक शोक प्रकट करने के तौर पर आदमी बंद रखा था कि नहीं चलेंगे, और इसी बीच पटना में आके अफवाह उड़ा दिया गया। एक चीज और है, काफी सारे चैनलों पर चला कि एसडीएम के साथ में हो गई है खान सर की, एसडीएम के रडार पर चल रहे हैं खान सर, ये खबरें बहुत सारे चैनल्स पे चल रही थी सर। किसी एसडीएम के साथ? हम लोग एसडीएम के साथ तू-तू में करेंगे लोग, पत्रकार के साथ होइएगा तो पत्रकार अपने के चक्कर में एसडीएम पे फेंक दिया यहाँ पर। अच्छा। हाँ, पत्रकार लोग को भी सोचना चाहिए, भाई हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है यहाँ पर। अब पर हमारे यहाँ सारे जगह पे आने जाने हर चीज का प्रॉपर रास्ता है। कितने गेट है सर अभी इस क्लासरूम में? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, एक उधर कंस्ट्रक्ट है, 6 वो भी है, 6 गेट है। नियम है कि 2 गेट होना चाहिए।
मतलब इन और आउट के पूरे पटना में सबसे ज्यादा एग्जिट एंट्री चौड़ा रास्ता फायर एग्जिट सारी चीजें। कहीं तो कह रहा है सब की सर्टिफिकेट नहीं है, अजब हाल है। बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है कि खान सर का कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं। दिमाग से पैदल है सब। हाँ। कि जो इंसान जिसको पूरी इंडिया जान रही है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा उसका, मतलब वो लोग दिमाग से पैदल है। पूरा पैदल है सब दिमाग से। यहाँ पे सीनियर बॉडीगार्ड एवरी फ्लोर में है कि नहीं? खान सर कितना मायने रखते हैं आप लोग के लिए एग्जाम दे रही लेडी? बहुत रखते हैं, बहुत ज्यादा। यस सर। कि कहाँ से आई है? शेखपुरा से। किस चीज का कोर्स करती है? बीपीएससी का है। बीपीएससी का। कितना में पढ़ाते हैं सर? सब 15,000 लिए है ऑल ओवर का। कितना दिन पढ़ाते हैं सर? जब तक एग्जाम ना हो जाए। जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए। हाँ। तब तक पढ़ाते हैं। हाँ। क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कोई दिक्कत? 15,000 एक बच्चे से। अगर खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा तो पढ़ाई इतना नहीं, नहीं हो पाएगा ना फिर? नहीं हो पाएगा, नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, और कुछ छात्रों से बात करते हैं। खान सर कितना मायने रखते हैं? बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि हम जो भी है पहले जैसे टेंथ ये ग्रेजुएशन कर लिए थे, जैसे पहले ग्रेजुएशन कर लिए थे तो यहाँ तक पता नहीं था कि ज्योग्राफी में पश्चिमी घाट क्या होता है, पूर्वी घाट क्या होता है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं पता था। जब यहाँ आए तो आई थिंक हम 2021 से इनके पास पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया तो घर चल गए, तब से अभी तक पढ़ रहे। तो कितने साल हो गए लॉकडाउन को? तो 2 साल नहीं हो गए कम से कम। खान सर भगवान है बहुत सारे छात्र बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो अभी ट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे हैं खान सर को, इस पर क्या कुछ बोलिए? देखिए, जितना बड़ा लोग होता है उतना तो उसको बदनामी सहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मीडिया में बताया गया था कि आपका जो ये मतलब क्लासरूम है वो उस तरह से नहीं है, उसका व्यवस्था ऐसे नहीं है। थर्मोकोल दिखाए थे ना उन्होंने, मुझे याद है। उस हिसाब से रहना चाहिए तो उस हिसाब से ठीक है, ठीक कर दिए। घमंडों में रहते हैं, यहाँ कोई और क्लासरूम है? मल्टीपल क्लासरूम है, घमंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लड़कियों को खासा दिक्कत होता है क्लासरूम में, आप लोगों को आने जाने में या कोई भी तकलीफ, कोई ऐसा कुछ होता है? यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ तो आगे तक जो गेट है वहाँ तक ये लोग छोड़ देते हैं अच्छे से। वहाँ स्टाफ लोग वहाँ तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, गेट तक कोई आने जाने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इतना भीड़ है, इतना सारा इधर कोचिंग है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा। जैसे एक साथ छुट्टी अगर होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ गेट तक छोड़ देते हैं। कौन से गेट तक? बीपीएससी कोर्स करते हैं अभी। हाँ, कितना मिली थी सर? 4,500 बोल रही है कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, रोड तक स्टाफ छोड़ देते हैं। बाकी निकलने के लिए आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 गेट यहाँ पे, खुद सर भी गिना रहे हैं। कहाँ से आई है? सिवान जिला। सिवान जिला। खान सर का कोचिंग कितना मायने रखता है छात्रों के? बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, क्या बोलेंगे? हाँ, तो करेक्ट करेक्ट एनवायरनमेंट ये हुआ है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते थे, फिर गांव वाले नहीं पढ़ पाते थे, जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। और बहुत पैसा कम है, जैसे किसान वगैरह के जो भी बच्चे हैं वो बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं। मतलब गरीबों के लिए कुछ आसान हुआ है शिक्षा? हाँ, बहुत ज्यादा आसान हुआ है, हद से ज्यादा आसान हुआ। कितने कितने में आप लोग पढ़ लेती है? हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा एकदम कहे तो 1% में जाता है, बस जो होता है रहने का होता है और अपना पर्सनल। पढ़ाई के लिए तो हमको लगता है कि मेरा 5% ही अभी तक गया होगा, और यहाँ पे तो बहुत कम। लड़कियों के लिए कुछ छूट भी मिलता है खान सर से? हाँ, क्या मिलता है? बिना फी के कवर आके हम लोग पढ़ भी लेते हैं। बिना फी के भी आके पढ़ लेती है आप लोग? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई बैच हो गया तो सर एंट्री दे देते हैं कि कोई बात नहीं अगली बार आप दे देना। इतना भी खबर आप लोग देख रहे होंगे, जितना भी चैनल्स होगा सब में अभी खान सर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि खान सर फरार हैं, बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है कि खान सर फरार हैं और खान सर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। अच्छा सर, सर सर फरार भी हो गए थे क्या? लिख रहा है और खान सर फरार हो गए। अजीब, मतलब किसी का टीआरपी के लिए किस चैनल में फरार? पता होना चाहिए ना कौन ऐसे बस मिर्च में सारा लगा था। सच में फरार थे सर? कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। पूरा भारत हमारा ही है, हम चाहे पटना में रहे, चाहे प्रयागराज में रहे, दिल्ली में भी तो है इनका, कहाँ जा खोला है नया सुना था एक बार, लेकिन हम देख रहे थे कि कोई कितना गिर सकता है। हम इसी इंतजार में 4-5 दिन से देख रहे कितना लोग गिर सकते हैं। 2,000 के नोट में चीप खोजने वाला खान सर को फरार कर दिया। अच्छा,
खान सर के छात्र है, मीडिया के साथ हमेशा से सर पंगा रहता है। कभी आप बोल देते हैं कि मीडिया खुद को देख लो 159वें रैंक पर चली गई है, आपके यहाँ इंटरव्यू भी लेने आते हैं लोग, आप बोलते हैं कि इंटरव्यू लीजिए इंट्रोगेट मत कीजिए। देखिए जैसन देवता वैसन पूजा। अच्छा। ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैं तो ये देख रही हूँ मीडिया की रैंकिंग 159 है, तो क्या हम गलत बोले है? और इन सबको कहते हैं कि अगर आपका रैंक खराब है कभी मतलब सुसाइड करने की इच्छा करे तो एक बार मीडिया को देखिएगा, 159 रैंक पे जाके मेकअप कर गया था। आप समझ रहे हैं, तो कभी सुसाइड करने का मन करे तो किसको देखना है? उससे खराब रैंकिंग हो सकती है, फिर भी एकदम हम फरार हो गए। फरार है जी, हमेशा रडार पे किसी ना किसी को लिए रहते हैं। किसी हमको इतने गजब लगता है, लेकिन एक चीज है, जब ये चीज चलाया गया कि खान सर की कोचिंग बंद ये वो, तो हमारे पास ना यहाँ सब्जी बेची जाती है, हाट है मुसलमानपुर हाट पटना का सबसे बड़ा मतलब सब्जी, वहां से कई लोग आए, सो हमारे बेटों वहीं पढ़ता है, हमारी बेटी वहीं पढ़ती, उनको ये चिंता था कि अब उन लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो केजीएस का जिंदा रहना जरूरी है ताकि गरीब इंसान भी पढ़ सके। देखो प्रॉब्लम ये थी कि सेफ्टी ऑफ किड्स, खान सर काम अच्छा कर रहे हैं कि आप कम पैसों में गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हो, जहाँ पे बल्कि अगर कंपेयर करो तो बाकी इंस्टीट्यूट्स पता नहीं कितना पैसा लेके बच्चों को, मतलब उन्होंने तो पूरा धंधा बनाया हुआ है, तो एक गरीब इंसान कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है? वो पर सेफ्टी अप्लाई करने का वो था। और जहां तक मुझे लग रहा है इनके जब वो आए थे चेक करने तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ सर्टिफिकेट्स अभी उनके पास नहीं है, वो एक दो दिन में जो है वो सर्टिफिकेट जो है खान सर और जो भी दूसरे कोई और वहां पे जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ला के दिखा देंगे, सब ठीक रह जाएगा। कोचिंग सेंटर उनका ऐसा ही है जिसमें 7 या जो भी मिनिमम 2 है उससे ज्यादा एग्जिट्स हैं, साफ सुथरा है, बच्चे बेंचों में इकट्ठे आराम से बैठे हुए हैं, स्पेस है। अगर हर जगह ऐसा ही है देन इट शुड बी ओके, तब एमसीडी या जो भी लोकल अथॉरिटी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम तो ये हो रही थी न्यूज में, वो ये दिखा रहे थे कि कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। राइट, जब गवर्नमेंट आई थी लोकल गवर्नमेंट चेक करने, उनको ऐसा लग रहा है खान सर के वहां पर ही प्रॉब्लम्स नजर आई थी, तो अब वो ठीक हो गए होंगे, उन्होंने फिक्स कर दिया। सो दैट इज द मेन पॉइंट कि जहां जहां उन्होंने ठीक कर दिया, मगर जो भी पढ़ा रहा है वो अच्छे तरीके से पढ़ाइए, सेफ्टी देख कर पढ़ाइए, लोगों को फैसिलिटी दीजिए, अपने जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेंटेन रखिए, साफ सुथरा रखिए, नीचे खाना बनाने के लिए किसी को हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अगर सब प्रॉपरली फॉलो करेंगे लॉ को तो ऑल विल बी ग्रेट, क्योंकि मेन तो सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स की बात है। जितने बच्चे ज्यादा पढ़ाई करेंगे और उतने अच्छा, ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमारी सेफ्टी क्यों नहीं है, साफ सुथरा क्यों नहीं है, तो जो जितना इन्फॉर्म्ड है वो उतने ज्यादा क्वेश्चन उठाता है कि सब अच्छा करिए। और देखिए यहाँ पर भी ठीक है, लोगों से फीडबैक लेना ये जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बात होगी कि आप मेरी क्लासरूम में जाते हैं जहाँ प्रिंसिपल खड़ा हुआ है और मुझसे पूछते स्कूल कैसे है, मैं तो बोलूंगा अच्छा ये प्रिंसिपल के सामने कैसे बोलता हूं, मैं टेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। मगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो जो इंसान प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जो जो लॉ फॉलो कर रहा है, उसका उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बच्चे खुश हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि खान सर कम पैसों में उनको बराबर पढ़ा रहे हैं और उनकी जिंदगी बना रहे हैं। और पेरेंट्स को भी यही प्रॉब्लम, वही घबराए हुए थे कि जहाँ पे हम कम पैसों में पढ़ा अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अगर ये इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो फिर हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट्स तो लाखों करोड़ों तो यही होता है कि आप फटाफट जो जो हाँ कमी है उसको पूरी करिए और चलाइए। एंड मेरे को लग रहा है खान सर ने वो करा है और ही मेड श्योर, और इनको देख के दूसरे टीचर्स को भी फिर सीखना चाहिए कि अगर तुम लोग गलत काम कर रहे हो तो तुम भी अपने जो इंस्टीट्यूट है उनको इमीडिएटली ठीक करो और बच्चों की सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखो। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।